हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का दूंगी ताकि जब आप चैप्टर को डील करें तो आपको थोड़ा वहाँ पर आसानी हो। और हाँ गाइस, ये चैप्टर 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड की टर्म सेकेंड टर्म का जो पार्ट है उसमें आने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में गाइस आप लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को एक साथ कंपाइल किया गया है। एक साथ कंपाइल करने का सिर्फ एक पर्पज था इसका कि इन तीनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं गाइस कार्बोनिल। ठीक है, इसको कहा जाता है कार्बोनिल। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक जो रिएजेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अगर उसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है गाइस, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है तो उसे कार्बोनिल कहा जाएगा। अगर आप एल्डिहाइड देखें, कीटोन्स देखें या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, तीनों के पास क्या मेंटेन होता है गाइस, कार्बोनिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ, यही फॉर्मूला होता है ना एल्डिहाइड का, आर सी एच ओ। कीटोन किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर आर। कार्बोक्सिलिक आप किसको बोलते हो, आर सी ओ ओ एच। कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उम्मीद है गाइस इतना आपको पता होगा। और नहीं पता है कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं गाइस सी एच ओ को, और जो कीटोन होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्टली आ जाता है, और कार्बोक्सिलिक को रिप्रेजेंट किया जाता है सी ओ ओ एच। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस ग्रुप को खोल कर दिखाऊँ तो ये इस तरीके से होता है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनिल पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ये है हमारा कार्बोनिल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कीटोन की, तो कीटोन में तो एज इट इज सीधा सीधा है, इसमें तो कुछ समझने जैसा है ही नहीं, यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें कार्बोनिल दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं लेटर बात करूँ कार्बोक्सिलिक की, तो कार्बोक्सिलिक को गाइस ओपन करके कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ पर भी कॉमन है। एंड फर्दर आप जब इनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तभी आप वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप्स को पाएंगे। तो इसी वजह से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ हम कंपाइल करके पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जो बेसिक फंक्शन ग्रुप है वो सी डबल बॉन्ड ओ ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे इनमें देखते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स हमारे पास कौन कौन से हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में यूज़ करना है। अब हम लोग गाइस डेरिवेटिव्स को देखने जा रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक को तो हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को गाइस मैंने पहले भी बताया, खोल कर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ एच, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करेंगे इसके डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स तो गाइस याद रखिएगा कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज सेफ रहने वाला है, उसके बाद जो हम अटैच और डिटैच करेंगे ये वाला पार्ट होगा। ठीक, अगर यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज है, ठीक, और उसके बाद अगर ओ एच की जगह यहाँ पर कोई हेलोजन लगा हुआ है, एक्स इज स्टैंड फॉर हेलोजन। ठीक, तो इस चीज को बोलेंगे गाइस एसाइल हैलाइड। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास गाइस, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक, इसके डेरिवेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, ओ एच को रिप्लेस कर दिया है एक्स, एक्स यानी हैलोजन। तो हैलोजन के साथ जैसे ही हमने रिप्लेस किया गाइस, तो इसे बोलेंगे एसाइड हैलाइड। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ चुकी है। दूसरी कंडीशन पे हम लोगों ने क्या करा गाइस, ये वाला जो मॉलिक्यूल है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ओ एच, ये वाला, इसी को तो रिप्लेस करते चले जा रहे हैं हम। ठीक, इस बार हमने क्या करना है, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, और इन दोनों को हमने कर अटैच कर दिया है एक साथ ओ के फॉर्म में। ठीक, ये वाली जो कंडीशन होती है गाइस, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया गाइस, पहला हमने जब एक्स को रिप्लेस करा है, OH को रिप्लेस करा है X के साथ, तो हमने इसे बोला है एसाइल हैलाइड। ठीक, और यहाँ पे जब हमने OH को रिप्लेस कर दिया है R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O R, और इनको जब कनेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, तब इसको हमने बोला है एसिड एनहाइड्राइड। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे है, तो इसमें कुछ नहीं है गाइस, ये ऐसे रहा होगा, दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल हमने ले लिए,
उस वाटर को रिलीज कर दिया। जैसे ही वाटर रिलीज हुआ है गाइस, हमारे पास सीधा सीधा क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक, ये रहा हमारा एसिड एनहाइड्राइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एसिड एनहाइड्राइड हमारे किस तरीके से बना है। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, अगर हम इसे पूरा का पूरा ओएच को हटाएं, ठीक, अगर हम इसे तीसरी वाली कंडीशन में ले जाएं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, अगर हम इस वाली कंडीशन में ले जाए गाइस, तो ये होता है एस्टर, ये होता है एस्टर। क्या आप जानते हैं ऐसा क्या होता है? हाँ, होप सो। अब आप बोलेंगे एस्टर नहीं याद नहीं है, टेंथ को याद कीजिए गाइस। टेंथ में क्या था हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम लोग किस रिएक्शन करवाते थे, एल्कोहल से। अब आप बोलेंगे आर ओ एच होता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। नहीं गाइस, जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, जब हम रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि बॉन्डिंग सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आर के साथ ओ एच ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये हमारा है। यहाँ से भी हमें कुछ नहीं करना है, हमने इसे वाटर को रिलीज कर देना है। जैसे ही आप वाटर को रिलीज करेंगे गाइस, वाटर को रिलीज करने पर आपको क्या मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से वाटर रिलीज हो चुका है, सीधा ये ओ आ गया है, और अगर मैं इसमें डैश लगा दूँ तो ओ आर डैश बन चुका है गाइस हमारा एस्टर एज इट इज। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे भी ये चीज़ आपने देख ली है। ठीक है, पहला हमारे पास डेरिवेटिव आया एसाइल हैलाइड, दूसरा डेरिवेटिव आया है एसिड एनहाइड्राइड, और तीसरा डेरिवेटिव आया है गाइस एस्टर। ठीक है, तीन डेरिवेटिव हम देख चुके हैं। अगर हम अगले डेरिवेटिव की बात करें, अगला डेरिवेटिव मैं अगर बताऊं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर ओ एच की जगह गाइस एन एच टू आ गया है, एन एच टू में इसे बोलेंगे गाइस एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ठीक है, एमाइड एन एच टू के लिए यूज हो रहा है गाइस। ठीक है, ए सी आई डी एसिड एमाइड। अब आप खुद से जज करके बताइए कि एसिड एमाइड कैसे बना होगा, कोई आइडिया है आपके पास? अगर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। फर्दर हम आपको ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, चार डेरिवेटिव हैं। पहला है एसिड हैलाइड, दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, थर्ड है आपके पास एस्टर, और चौथा है आपके पास एसिड एमाइड। अब ये चीज़ हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं, इसके बाद हम आपको एक की फैक्टर बताएंगे और उसके बाद सीधा हम लोग प्रिपरेशन में चलेंगे। ठीक है गाइस, जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं इतना इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें चलती हैं, मेन पार्ट चलता है गाइस इसका टू पार्ट्स में। पहला चलता है इसका प्रिपरेशन, ठीक है, एंड देन चलेगा इसका प्रॉपर्टीज। जो ये चैप्टर है कम्प्लीटली बेसिक जो है इसका, ये प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज है। प्रिपरेशन में तो हम देखेंगे कि ये प्रिपेयर कैसे होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में गाइस हम दो टाइप्स की देखेंगे, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो हम इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्मेल है या नहीं है, ऑडर है या नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट केमिकल्स में आप देखेंगे कि इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, अगर इसको किसी अदर केमिकल के साथ रखा जाता है तो ये क्या रिएक्ट करता है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके के एडिशन देता है, किस तरीके के एलिमिनेशन इसमें होती हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं वो हम ये देखेंगे। तो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली जो हमारा चलेगा वो रिएक्शन चलेंगे। रिएक्शन को जानने से पहले गाइस, कार्बोनिल कंपाउंड की एक स्पेशलिटी जो आप देखेंगे गाइस वो ये होगी कि कार्बोनिल कंपाउंड, हमने आपको पहले भी बताया, इस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे एक कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा, चाहे कोई सी भी रिएक्शन आप करवा रहे हैं। ठीक है, कार्बन के चारों बॉन्ड, दो बॉन्ड ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, और सपोज जरा मैंने यहाँ पे आर लगा दिया, आर स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड है? ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड बोल रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं। तो कार्बन कंपाउंड पे हमें फोकस रखना है। अभी हमने कार्बन के ये साइड वाली लेकिन वैलेंसी जो है इसकी और ये वाली इसे छोड़ दिया है, अभी हम इसे नहीं देख रहे हैं। अभी हम इस पे फोकस करके चल रहे हैं कि हम इसे क्यों देख रहे हैं, क्यों हम पढ़ेंगे, किस तरीके से रिएक्शन में रोल प्ले करेगा। ठीक, जब कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें गाइस, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को कंटेन करता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम आपको ये क्यों बता रहे हैं वो यहाँ देखिए,
तो कार्बन और ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, तो कार्बन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के केस में क्या होता है गाइस, जो ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है। जब भी आप बॉन्ड्स पढ़ेंगे गाइस, एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो इसमें जब भी आप देखेंगे गाइस, इस चीज़ को हमेशा लेके चलिएगा कि जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड को हमेशा सिग्मा कहा जाएगा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहा जाएगा, एक अकेले बॉन्ड को सिग्मा कहा जाता है। उसके बाद जो भी बॉन्ड बचेगा गाइस वो पाई होगा। तो इसमें सी डबल बॉन्ड सी था, यानी एक सिग्मा एक पाई। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो तीन बॉन्ड है, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा ही होगा, इसके बाद जो कार्बन कार्बन के बीच में दोनों बॉन्ड बचते हैं गाइस, ये दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने बोल दिया कि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा हो गया, डबल बॉन्ड पाई हो गया। उससे क्या, उससे ये गाइस कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड की होती है गाइस एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इतना ईजिली ब्रेक नहीं होता एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की कैसे होती है गाइस, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जो पाई बॉन्ड होगा वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करता है, तो साइड वाइज ओवरलैप करने की वजह से इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितना कि सिग्मा बॉन्ड की होती है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे पहले पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पे देख लिया, पाई बॉन्ड पे देख लिया, अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर हम यहाँ पे कहें कि इस बॉन्ड का ब्रेकेज होना है या फिर ये शिफ्ट होना है, तो किस फॉर्म में शिफ्ट होगा या फिर कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो हमेशा याद रखिएगा सिग्मा को आप नहीं छेड़ोगे, पाई बॉन्ड को छेड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे सिग्मा और पाई कैसे पता चलेगा, अरे आपको पता क्यों करना है, हमारे पास तो दोनों बॉन्ड एक जैसे हैं, हम गेम खेल सकते हैं इनके साथ। ठीक, तो कार्बन और ऑक्सीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो गाइस एक चीज़ और याद रखिएगा, एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में मिनिमम टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे दो बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा, चाहे वो कोऑर्डिनेट है चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के लिए पहले भी हमने बताया होगा आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या करता है, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पे जो शेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ पुल करने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फॉर अ वाइल अगर मैं सोचूं कि कोई रिएजेंट है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल है चाहे न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो ये पाई बॉन्ड है, ये मैंने मान लिया पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड मान लिया, ये जो पाई बॉन्ड है गाइस ये तुरंत शिफ्ट होकर किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। और एक शॉर्टकट ट्रिक हम इसको लेके चलते हैं कि लोन पेयर विल बी बिकम अ पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल बी बिकम लोन पेयर। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, पाई बॉन्ड या फिर आप इसे बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर क्या बन जाएगा गाइस, लोन पेयर। ठीक, किस तरीके से बनेगा ये, इस तरीके से, यहाँ पे आर है, ये सी है, ये एच है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर यहाँ से ये बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में शिफ्ट हुआ है, तो गाइस इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एक बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज मेंटेन रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद है गाइस इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद दो टर्म आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोफाइल, एक आता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। ऐसी कोई सी भी स्पीसीज गाइस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आतुर हो, यानी एक्टिव मोड में हो कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, एनी स्पीसीज दैट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कौन सा स्पीसीज को होगी गाइस, जाहिर सी बात है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल, उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। अब हम बात करें न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका है गाइस, न्यूक्लियस याद कर लीजिए। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है
जिसके पास भी एक्सोस में इलेक्ट्रॉन है यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा गाइस आपका न्यूक्लियोफाइल। आपको इलेक्ट्रोफाइल पता चल चुका है, आपको न्यूक्लियोफाइल पता चल चुका है, यानी अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की तलाश करती है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव सेंटर की तलाश करती है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल पता चल चुका है, न्यूक्लियोफाइल पता चल चुका है। अब यहाँ से हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने कार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ दिया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड को तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब है कि सिर्फ इसका मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करी है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग में मैंने क्या देखा कि जो पाई बॉन्ड था वो डीलोकलाइज होकर लोन पेयर किसकी तरफ गया है, ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये गाइस पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर इसी के पास आएगा ना, न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज चार्ज के बाद गाइस पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब आपको यहाँ पे एक चीज को और ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब नेगेटिव ट्रैवल करेगा वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करेगा, और नेगेटिव के ट्रैवल करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। जब भी आपको जब आप मार्किंग करेंगे ना तो केमिस्ट्री में उस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पार्ट की तरफ हम चीज़ों को दिखाते हैं, पॉजिटिव को हमें ट्रैवल करवाना। ठीक है, अब इतना हमने ट्रैवल करवाया गाइस, अब इसके बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आया, RCOH इतना तो था ही। O के पास कौन गया है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव, ये है ना पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड हो जाएगा OE, और C के पास कौन गया है गाइस, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतनी चीज आई होप जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आपके आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है कोई भी पार्ट यहाँ पे लगता है कि नहीं ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ या इस तरीके से दिक्कत है तो आप वो कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बता सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद सीधा सीधा गाइस हम लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे। उस प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले एक बार ऐसे आराम से चीज़ों को बैठ के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे यही आपके शिफ्टिंग बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनेगा, यही चीज़ काम आएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय महादेव।